छह का सामान मेरे ग्रास में निकाल दू। आपने पीनी है तो आप भी पी लो। वालेकुम अस्सलाम। बेटा अजान मुकम्मल होने दो। वालेकुम अस्सलाम।
जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है ना? अजान के लिए मैंने ब्रेक दी थी। ठीक है, लास्ट हमने जो सा था वो 22 स्लाइड्स तकरीबन हमने कंप्लीट कर ली थी अपनी। अभी आपको स्लाइड शो हो रही है ना? ठीक, एक्चुअली ना लास्ट लास्ट में उनको कोई इशू था कि स्लाइड्स नहीं आगे नहीं हो रही थी, उनकी नेक्स्ट स्लाइड्स ही नहीं आ रही थी। अभी सबको नजर आ रही है ना स्लाइड्स? अच्छा जी, अब मुझे बताएं जो हमने आज लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। अच्छा, शहजाद का है। शहजाद, आप मुझे बताएं कि प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या है। कोहोर्ट प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या है? शहजाद इनायत, जिनसे पूछती हूँ सामने नहीं आते फिर मेरे। जेनिफर, आप बताएं बेटा, प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट प्रोस्पेक्टिव स्टडी क्या है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ अ डिजीज, और आपने ये चीज इसमें स्पेशल मेंशन करनी है कि प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ है। ठीक है, यही एक स्पेशल इसमें जो इन दोनों का डिफरेंस है, प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव का, वो यही है ना कि प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ जाएगी ना स्टडी। ओके, और सना सैफ बताएगी मुझे कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या है, रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। What is cohort retrospective study? No,
सना सैफ आपने उसको ठीक से डिफाइन ही नहीं किया। हाँ कौन बताएगा अभी सना, आपको पता है कि 1 घंटा ही हुआ है जो मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया, लेकिन आपको समझ ही नहीं आया। मैं उस टाइम पूछती हूँ कि आपको नहीं समझ आया तो मुझसे पूछो। कौन बताएगा व्हाट इज रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, प्रेजेंट से पास्ट की तरफ जाना है आपने। गुड इवनिंग। तो सना आप जरा ठीक से सुना करें, ठीक है, ड्यूरिंग लेक्चर। अच्छा जी, हम अब स्टार्ट करते हैं कि अभी ये वही चल रहा है हमारा, ठीक है। ये भी इसमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया कि इन स्टैटिस्टिक्स एंड एपिडेमियोलॉजी रिलेटिव रिस्क और रिस्क रेशियो, जिसको आर से हम रिलेटिव रिस्क और रिस्क रेशियो इज द रेशियो ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग, फॉर एग्जाम्पल डेवलपिंग ऑफ अ डिजीज, बींग इंजर्ड in an exposed group to the probability of the event occurring in the comparison non-exposed group. अच्छा वो इसमें से भी ना ये एग्जाम्पल आप, ये बस इन्होंने बताया कि रिस्क आउटकम जो है वो, ये आप रहने देना, ठीक है। आपने कोहॉर्ट कर लो और केस कंट्रोल, इसकी जो दरमियान में स्लाइड्स हैं ये आपने नहीं करनी, 4 to 5 स्लाइड्स हैं ये आप मिस कर देना। अच्छा जी, केस कंट्रोल स्टडीज आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग डिजीज एंड लुक बैक इन प्रीवियस ईयर्स टू आइडेंटिफाई प्रीवियस एक्सपोजर्स टू कॉजल फैक्टर्स। केसेस आर दोज हु हैव अ डिजीज, कंट्रोल्स आर दोज विदाउट अ डिजीज। एनालिसिस एग्जामिन इफ एक्सपोजर लेवल्स आर डिफरेंट बिटवीन द ग्रुप्स। अच्छा, इस स्टडी में हमने 2 ग्रुप्स लेने होते हैं, केस और केस कंट्रोल ग्रुप्स जिसको कहते हैं, ठीक है। और हमने उन दोनों में हमने उसमें हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं और दोनों में इफेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। एक जो होगा ना वो डिजीज वाला ग्रुप होगा और एक नॉन डिजीज, ठीक है ना। जो एक हमने ये 2 ग्रुप्स बनाने हैं और उनके ऊपर हमने कोई भी अपनी जो रिसर्च है उस जिस चीज का भी इम्पैक्ट देखना है, ठीक है, वो हमने देख लेना है। केस कंट्रोल स्टडीज कहते हैं उसको, और 2 ग्रुप्स में होती है ये हमेशा। वॉइस नहीं आ रही है, सबको आवाज आ रही है? बाकी सबको स्टूडेंट्स आवाज आ रही है बाकी स्टूडेंट्स को? अंसब आप अब इसको मैसेज कर देना पड़ेगा।
अच्छा, केस कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमने ये भी एक एक्चुअली ऑब्जर्वेशनल स्टडी ही है, ठीक है। जो दो एग्जिस्टिंग ग्रुप है ना, उसमें हमने उनके जो आउटकम है ना, जो हमने उनके रिजल्ट्स देख रहे हैं, कोई भी डिजीज, या एक तो हम डिजीज ग्रुप लेंगे और एक नॉन डिजीज ग्रुप ले लेंगे, ठीक है। और हम उसमें उनके जो आउटकम आ रहे हैं ना, उसमें हम उसमें डिफ्रेंसिएशन देख लेंगे, ठीक है। यानी कि दोनों का कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है, और देख लेंगे कि या कुछ फैक्टर्स हमें आइडेंटिफाई होंगे, और हम इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन के अलावा, रिस्क फैक्टर्स की आइडेंटिफिकेशन के अलावा, हम उन दोनों ग्रुप्स में कंपैरिजन करके और उनके रिजल्ट्स को कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। एडवांटेजेस क्या है कि बेस्ट डिजाइन है, ठीक है। फॉर रेयर डिजीज कैन बी अकॉम्प्लिश्ड क्विकली सिंस इवेंट्स ऑफ इंटरेस्ट हैव ऑलरेडी अकर्ड, कैन स्टडी सेवरल पोटेंशियल एक्सपोजर्स एट द सेम टाइम, और लेंड्स इटसेल्फ वेल टू हॉस्पिटल बेस्ड स्टडीज एंड आउटब्रेक्स। ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और डिजीज के जो है ना, उसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये केस कंट्रोल स्टडीज यूज करते रिसर्च यूज करते हैं, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस हैं कि हार्ड टू डिसाइड व्हेन डिजीज आर एक्चुअली एक्वायर्ड, कंट्रोल ग्रुप कैन बी डिफिकल्ट टू फाइंड, ठीक है। हमें देखो सेम करेक्टरिस्टिक्स के लोगों की जरूरत होती है वहाँ, ठीक है। मतलब हमें अगर कंट्रोल केस कंट्रोल में यानी कि दो ग्रुप्स जो रखने हैं, तो हमें वो उसी तरह के सेम करेक्टरिस्टिक्स के लोग होने चाहिए, ठीक है। एक ग्रुप में सेम करेक्टरिस्टिक्स के लोग हों, दूसरे ग्रुप में भी उससे रिलेटेड हमें मेंबर्स जो उनसे हैं वो होने चाहिए। तो ये हार्ड टू डिसाइड है, ठीक है ना। और उनको हमें हमें इजीली ये नहीं मिलते, मतलब सैम्पल साइज मुश्किल है इनका लेना। कांट कैलकुलेट इंसिडेंस, पॉपुलेशन रिलेटिव रिस्क और एट्रीब्यूट रिस्क, हाई पोटेंशियल फॉर बायस, ठीक है। ये बायसनेस इसमें बहुत ज्यादा आ जाती है। यूजली नॉट जनरलाइजेबिलिटी, हम इनके रिजल्ट्स को जनरलाइज नहीं कर सकते, इसलिए कि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप से, स्पेसिफिक कम्युनिटी से रिलेटेड होती है रिजल्ट्स, तो हम उनको सब सब कम्युनिटीज या सब ग्रुप्स के लिए जनरलाइज नहीं कर सकते। एन ओड्स रेशियो इज अ मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एन एक्सपोजर एंड एन आउटकम। द ओड्स रेशियो रिप्रेजेंट्स द ओड्स दैट कैन आउटकम विल अकर गिवन अ पर्टिकुलर एक्सपोजर कंपेयर टू द ओड्स ऑफ द आउटकम अकरिंग इन द एब्सेंस ऑफ दैट एक्सपोजर। अब ओड्स और उस एक्सपोजर और आउटकम के दरमियान जो उनका एसोसिएशन है, वो हमने यहाँ
नहीं क्या। हेलो नोरीन, हिना, खतीजा, आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको? शुक्र। अच्छा जी, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे जी, इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं। ठीक है, हमने केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन देखा है और ठीक है, ओके। अच्छा, केस कंट्रोल की समझ आ गई है बच्चों? ठीक है, कौन बताएगा केस कंट्रोल के बारे में, क्या समझ आई है? कंट्रोल ग्रुप, देखो मेरी बात सुनो। तुम लोगों को मैं इसकी एग्जांपल एक दे रही हूँ, जो कि मैं हर एक ही डिजीज की लंग कैंसर की देती हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हमने दो ग्रुप्स बनाने हैं। ठीक है, लंग कैंसर और स्मोकिंग की देती हूँ, तो अभी भी आप लोगों को समझने में आसान लगता है, इसलिए मैं ये देने लगी हूँ। ठीक है, देखो हम दो ग्रुप्स बनाएंगे। एक हम वो पेशेंट्स हु आर डायग्नोज विद लंग कैंसर, ठीक है, और हमने देखना है उनमें सेम मतलब एट्रीब्यूट वेरिएबल की बात करेंगे अब हम यहाँ के। अब यहाँ बात आएगी, तुम लोगों ने वेरिएबल्स की टाइप्स पढ़ी हुई है ना, याद है कुछ वेरिएबल्स कितनी टाइप्स के होते हैं? एक तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के अलावा पढ़े हैं आप लोगों ने? हाँ आदिला, आप ठीक कह रही हो। ठीक है, लेकिन अभी इस बच्ची को मुझे लगता है बुरी तरह समझ नहीं, मैं इसको समझा देती हूँ। देखो हमने दो ग्रुप्स बनाए, एक लंग एंड दोनों जून से हैं वो, एक जून से है वो है लंग कैंसर का, ठीक है, जो कि डायग्नोज विद लंग कैंसर है। दूसरे ग्रुप में हम हेल्दी हेल्दी पीपल को ले लेंगे। ठीक है, उसमें लंग कैंसर नहीं होगा, उसमें और डिजीजेज हो सकती है, लेकिन लंग कैंसर को नहीं ले रहे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, एक का एक्सपोजर जो हुआ है वो स्मोकिंग से है, एक ग्रुप का, ग्रुप ए ले लो उसको। ठीक है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि केस, और कंट्रोल वो होंगे जिसको हमने जो अनडायग्नोज हैं और नॉन डिजीज पर्सन हैं। ठीक है, एक को हमने एक्सपोजर है उनका स्मोकिंग से, दूसरे का स्मोकिंग से एक्सपोजर, उनका भी एक्सपोजर है लेकिन उनमें डिजीज नहीं है। आगे समझ, दो ग्रुप्स हैं, एक डिजीज और एक नॉन डिजीज। एक्सपोजर दोनों का उस कॉज के साथ है, यानी कि स्मोकिंग के साथ। ठीक है, ग्रुप ए का भी, ग्रुप बी का भी। लेकिन हमने फिर हमने देखना है कि हम यहाँ कंक्लूड कर रहे थे पिछली रिसर्च में कि स्मोकिंग इज अ कॉज ऑफ लंग कैंसर, लेकिन यहाँ तो वो पर्सन भी हैं जो कि स्मोकिंग तो है कर रहे हैं वो, लेकिन उनमें लंग कैंसर नहीं है। तो हम ऐसे में और रिस्क फैक्टर्स देखेंगे कि हो सकता है, यहाँ बात आ जाएगी फिर कंफाउंडिंग वेरिएबल की भी। ठीक है, उसके जो केस स्टडी है थी जोन से उनके, कि देखेंगे कि हो सकता है कोई और फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस हो रहा है उन पे और उनको डिजीज कॉज हुई है। ठीक है, ये होती है केस कंट्रोल स्टडी। और उसमें फिर लास्ट में इसके कंक्लूजन भी कोई इतना खास ऑथेंटिक, ये स्टडीज भी बहुत कम है, इतनी ज्यादा नहीं, केस कंट्रोल स्टडीज भी इतनी बहुत ज्यादा नहीं हुई, तो क्योंकि इसका जो कंक्लूजन है ना, ये काफी लॉन्ग स्टडी है। ठीक है, और बाद में हमने दोनों का कंपैरिजन कर लेना है कि स्मोकिंग तो दोनों ही करते थे लेकिन इनमें लंग कैंसर हुआ और इनमें नहीं, हो सकता है कि इनमें कोई और रिस्क फैक्टर हो। ठीक है, सुमैया शाहिद और उमेरा बीबी, आप पूछ रहे थे मेरे से, आप समझ आइए। हाँ, और देखिए यहाँ आपको डिसएडवांटेजेस में बता रहे हैं कि यूजुअली नॉट जनरलाइजेबिलिटी, हम इनके जो कंक्लूजन है, जो इनके रिजल्ट्स हैं, उनको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं सबके लिए। ठीक है, ये इसके डिसएडवांटेज हैं। और अगर हम
डिफिकल्ट टू फाइंड ए कंट्रोल ग्रुप, तो ये भी जोन है ना, एक को हम देखो, अब हमने देखना है कि वो स्मोकिंग भी कर रहा है, और अब हमारे पास यहाँ पर्पसिव सैंपलिंग आ गई है इसलिए डिफिकल्ट टू फाइंड लिखा है। अब वो स्मोकिंग भी कर रहा है लेकिन उसको लंग कैंसर भी नहीं है, हमने ये सारे पेशेंट्स भी देखने हैं, और फिर हमने देखना है कि वाकई में वो नॉन डिजीज पर्सन है, उसके इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम कर सकते हैं, ठीक है, सब ऑथेंटिक रिसर्च करनी है, फिर हमने प्रूफ करना है कि ये नॉन डिजीज पर्सन है, इसके लंग में कोई मसला नहीं है। ओके ठीक है, अच्छा जी, अच्छा ये कैलकुलेशंस वगैरह ये आप लोगों ने ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना इसके, और बस केस कंट्रोल को कर लो और कोहॉर्ट को कर लो, जिसने पढ़ना है वो बेशक पढ़ ले, लेकिन ये चीजें जो सी है ना, ये जब आपने उसको रिजल्ट्स को एनालाइज करना ना, फाइंडिंग्स को, तो तब आपने ये समझनी है, तब ये मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी, तब जरूरत है इसकी, ठीक है, ये आपको भी पता नहीं चलेगा, जब आप अपना प्रोजेक्ट करेंगे ना बच्चों, तब आपको मैं बता दूंगी या इसके किस तरह से करना होता है इसको इंटरप्रेट। अच्छा ये उन्होंने थोड़ा सा, हाँ आपको समझ नहीं आती है सब, अभी फिलहाल नहीं करनी है आपने, लेकिन जब टाइम होगा ना आपका करने का सेकंड ईयर में, तो ये आपको करवानी पड़ेंगी कैलकुलेशन, आपको तब सिखानी पड़ेंगी, ठीक है, इसीलिए ये वैसे मैंने इसमें ऐड की थी, लेकिन अभी आपने नहीं करनी बेटा। अच्छा ये डिफरेंस है, नहीं नहीं आनी कैलकुलेशन, इस तरह की कैलकुलेशन नहीं आनी, जो आनी है ना वो मैं तुम लोगों को करवा दूंगी, ठीक है, जिस तरह की आनी होंगी। अच्छा डिफरेंस है बिटवीन रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी। अच्छा आप लोग बच्चों जो बायोस्टेट्स पढ़ रहे हो ना अभी, मेरी आवाज आ रही है, बायोस्टेट्स पढ़ रहे हो बच्चों? कौन सा क्वेश्चन आया था मेरा, कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? देखो जो आपकी बायोस्टेट्स में, कैलकुलेशन आई थी आपको फर्स्ट ईयर में, नहीं इस तरह के क्वेश्चन आए थे, बताओ जरा मुझे कौन सा क्वेश्चन आया था, ये मैं स्लाइड्स कर रही हूँ, जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है ना, जो आप लोगों ने करनी है, जो आपकी करिकुलम है, वो सारी मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है, इसमें से मुझे बताओ कौन सी कैलकुलेशन आई थी फर्स्ट ईयर में के पेपर में, ये आई थी कैलकुलेशन, बेटा कैलकुलेशन जो आनी है ना वो मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है, वो आपको बायोस्टैट्स में से आएंगी, इसके अलावा जो डिफरेंट चीजें हैं वो आपको फॉर्मूला वगैरह आना चाहिए सैंपल साइज का, ये वो, ये जो है ना ये कैलकुलेशन और चीज है, ये मैंने डाल दिया, अब आप लोगों को जो सा ना वो डर ही लग रहा है ना कि करनी है तो मैं तुम लोगों को करवा देती हूँ, ये अभी नहीं करनी, इसलिए आपकी करिकुलम में भी ये चीज नहीं है, ये ओड्स रेशो, ठीक है, हाँ जी, जो मैंने करवानी है ना, मुझे पता है करिकुलम में जो चीजें आपकी हैं वो, आप कह रहे हो ना कि ये वाला जो सेकंड ईयर में ये आया था, कौन सा क्वेश्चन आया था मुझे बताओ, इन स्लाइड्स में से कौन सा क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही उठा के मैंने स्लाइड्स में डाली है कि आगे के लिए आपको फायदा हो जाएगा, कल को जब सेकंड ईयर में भी इससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ोगे तो, ये ओआर तो नहीं, कभी भी नहीं आया होगा ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो चीजें आनी है वो मैं आपको करवा रही हूँ। अच्छा जी डिफरेंस बिटवीन रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी एंड केस कंट्रोल स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी स्टार्ट्स फ्रॉम आउटकम्स
टू एक्सपोयर। आगे समझ कि हमने केस कंट्रोल स्टडी को कैसे स्टार्ट करते हैं, आउटकम से स्टार्ट होता है ना, और फिर वो एक्सपोयर तक जाता है, जहां मैंने भी पाया कि लंग कैंसर वैसे हम एक्सपोयर तक जाएंगे, पहले लंग कैंसर उनको हो गया, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी कॉज पीछे क्या थी, ठीक है ना, कि इसकी इसका एक्सपोयर स्मोकिंग से था, तो हमने फ्रॉम आउटकम टू एक्सपोयर जाना है केस कंट्रोल में। वाइल इन अ रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी वन ऑलरेडी नोज द इफ देयर वॉज एक्सपोयर एंड ट्राइज आइडेंटिफाई एसोसिएशन टू आउटकम इन अ रिट्रोस्पेक्टिव वे। अच्छा यहाँ ना आप इसके कोई सब स्टूडेंट सुन लें, नेक्स्ट क्लास में ना मैंने इनकी डिफरेंसेस आपसे सुनने हैं, ठीक है, कोई से 3-3 डिफरेंसेस कर लो, 5-5 भी ना करो, ठीक है। सब स्टूडेंट्स डिफरेंस बिटवीन रिट्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी और केस कंट्रोल स्टडी के कोई 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 3 जोन से ना आप लोगों ने मुझे डिफरेंसेस बताने हैं, ठीक है। हाँ अब सब कुछ ही आया होगा तुम लोगों को, है ना, अब मैं ये बता रही हूँ अब ये आया था। एनीवेज ये तो इम्पोर्टेंट चीज है इसलिए मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, मुझे नहीं पता ये लास्ट पेपर में आया था कि नहीं, बहरहाल हो सकता है आया हो, ये नहीं पता, लेकिन आप लोगों ने इसके 3-3 डिफरेंसेस जो से हैं वो एक कॉपी पे मेंशन कर लेने हैं, जिस तरह भी, और जो नेक्स्ट क्लास होगी ना हमारी उसमें मैं तुम लोगों से ये फिर सुनूंगी, ठीक है। और बेटा ऑनेस्टली अभी अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना आपको, आपने ईमानदारी के साथ जो सा ना वो नेट से ना देख के मुझे आंसर किया करो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं एज इट इज मुझे जवाब देते हैं जो नेट पे पड़ी होती है चीज, है ना ऐसी बात। मुझे ये पता नहीं है पेपर में आया था कि नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है चीज, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। ओके अच्छा ये अब हम पढ़ते हैं इकोलॉजिकल स्टडी, ठीक है। एन इकोलॉजिकल स्टडी इज एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिफाइंड बाय द लेवल एट विच डेटा आर एनालाइज्ड, नेमली एट द, मेरी आवाज आ रही है ना, क्या कह रही हो हीरा, मुझे नहीं आपकी बात की समझ आ रही है, आप क्या ये टाइप किया है। अच्छा इकोलॉजिकल स्टडीज जो सी होती है ना वो सिंपल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती हैं ये, ठीक है, और इसमें हमने इसकी भी सिर्फ आप डेफिनेशन करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और इसको हम लोग किसी भी डिजीज की इंसी, अब हम देखेंगे यहाँ कोविड का क्या इंसिडेंस रेट चल रहा है या कितनी प्रेवलेंस है, या किसी भी डिजीज का ले लेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ अच्छी बात है, जो अपना कॉन्सेप्ट बताते हो ना गलत भी बताओगे, मैंने कभी डांटा नहीं है कि गलत बता रहे हो, लेकिन चीटिंग नहीं करनी, ठीक है, मैं तो नहीं देख सकती लेकिन अल्लाह ताला देख रहे हैं। अच्छा अब इकोलॉजिकल स्टडी हम पढ़ रहे हैं, तो ये सिंपल ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है, और इसमें हमने हमने इससे क्या पता, बेसिक जो इसका पर्पस है ना वो होता है कि प्रेवलेंस रेट और इंसिडेंस रेट किसी भी डिजीज का आइडेंटिफाई करना, ठीक है, पर्टिकुलरली व्हेन डिजीज इज रेयर,
ठीक है, जब डिजीज रेयर होती है, जैसा कि कोविड की बात करेंगे तो अभी तो ये रेयर नहीं है, लेकिन जब 2012 में ये डिजीज आई थी चाइना में ही और सऊदीया में, तो तब ये डिजीज रेयर थी। ठीक है, तब ये इकोलॉजिकल स्टडीज उन स्टडी तब ये सिर्फ एक टाइम पे होके खत्म हो गई थी। ठीक है, और 8 साल के बाद दोबारा, जो 7 ईयर्स के बाद दोबारा ये 2019 में हुई। तो इससे क्या अब आप अंदाजा लगाएंगे, ये ऐसी स्टडीज पे जब स्टडी करते हैं ना जो बहुत रेयर हो, 2012 में तो ये रेयर थी, तो ऐसी स्टडीज को इकोलॉजिकल स्टडीज कहते हैं। ठीक है, कि हमने देखना है कि तब उसका इंसिडेंस रेट कितना था, प्रेवलेंस कितनी थी, तो ये तब की स्टडीज होती हैं। अच्छा, दे आर इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू कैरी आउट यूजिंग रूटीनली कलेक्टेड डेटा, बट दे आर प्रोन टू बायस एंड कंफाउंडिंग। ठीक है, इसमें ये कंफाउंडिंग भी होती हैं और बायस भी होते हैं, क्योंकि ये रेयर होती हैं और हम इजीली, हमें पूरी तरह से डेटा भी नहीं मिल सकता ऐसी ऐसी डिजीज पे, तो इसलिए ऐसी जो स्टडीज है ना वो कोई इतनी ज्यादा ऑथेंटिक भी नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं अपनी कोई भी डिस्क्रिप्टिव स्टडी या कोई और दूसरी स्टडी को ले लें, तो ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी, इकोलॉजिकल स्टडी, इसलिए कम, आपने इसका नाम भी कम ही सुना होगा। अच्छा, वाई कैरी आउट एन इकोलॉजिकल स्टडी? एन इकोलॉजिकल स्टडी डिजाइन इज यूज्ड एंड द पर्पज ऑफ द स्टडी इज टू मॉनिटर पॉपुलेशन हेल्थ सो दैट पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटेजीज। मैं बताती हूँ रीला आपको, एक मिनट ये स्लाइड कंप्लीट कर लूंगी। अच्छा, एन इकोलॉजिकल स्टडी डिजाइन इज यूज्ड when the purpose of the study is to monitor population health so that public health strategies may be developed and directed. The purpose of the study is to make large scale comparisons between countries. ठीक है, ecological studies जो उनसे हैं, उन्होंने कहा कि population health को monitor करने के लिए specially की जाती हैं, और between two countries में जो हमने comparison देखने हैं किसी भी disease का large scale पे, ये स्टडी होती लार्ज स्केल पे है जब भी। ठीक है, जैसे कि मैं अगर बात कर रही हूँ कोविड की, उस टाइम की कोविड की, और वो कोविड उसको कहते हैं, वो था मर्स था, आई थिंक मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स था, हाँ वो उस डिजीज का नाम था। ये अभी कोविड-19 सार्स है ना, वो मर्स था। अच्छा, तो उस स्टडी में जो सा था वो उन्होंने कंट्रीज की स्टडी की थी, जैसे सऊदीया में कुछ कुछ एरिया में ये कोविड फैला उस टाइम में, ठीक है, और उससे डेथ्स हुई, और इसी तरह चाइना में भी हुआ। ठीक है, और ये दो कंट्रीज में फिर उन्होंने कंपैरिजन किया, तो ऐसी स्टडी और रेयर था। ठीक है, और बाकी जगह पे ये नहीं फैला, तो तब ये रेयर भी था और खत्म भी हो गया था, तो जब दो कंट्रीज का कंपैरिजन किया तो ऐसी स्टडी को इकोलॉजिकल स्टडी कहते हैं। अच्छा जी, ये थी यहाँ तक आपकी स्टडी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन था अदीला का कि बायस और एरर में क्या फर्क होता है। ठीक है बेटा, बायसनेस का आपको पता है ना, कौन बच्चा अच्छा सा बताएगा जरा, शहजाद आप बताओ। वेयर इज शहजाद? बाइसनेस और एरर क्या होता है? होता बाइस जो उनसे ना वो भी एरर ही है, लेकिन ये चीज मैंने पहले बताई थी। कौन बताएगा, कोई भी बता दे अपनी मर्जी से। हाँ ठीक है, मैंने बताया था बिल्कुल, फेवरेटिज्म। अदीले, एक्चुअली जो बायस होता है ना वो होता है वन वे थिंकिंग। ठीक है, कि मैं सोच रही हूँ कि ये रिसर्चर के हाथ में होता है। ठीक है, कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जो कि
रिसर्चर के कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। लेकिन बायसनेस में आ जाता है कि अगर मैं पार्टिसिपेंट्स अपने खुद चूज कर रही हूँ और एक क्लास में से मैं कह रही हूँ कि ये क्लास की एक तरफ जो राइट रो है ना, ये डेटा देंगी मुझे, ठीक है। अब मे भी कि वो जो राइट रो जो उनसे है वो मेरे हक में बात करे, ठीक है, और वो मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो, तो ये बायसनेस आ जाएगी, ठीक है। वो रिसर्चर के कंट्रोल में होती है चीज, और मैं उसको खत्म करने के लिए रैंडम सिलेक्शन कर लूंगी कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं एक रो के बाद एक स्टूडेंट के बाद एक स्टूडेंट छोड़ के फिर उससे पीछे स्टूडेंट, और इस तरह करूंगी, ठीक है। ये हो जाएगा बायसनेस। और एरर आ जाएगा कि एरर डिफरेंट तरह से हो सकता है, एरर कोई एक नहीं होता, ठीक है, रिसर्च में एरर। तो इसके अलावा जब आप अपना रिजल्ट एनालाइज करते हो तो उसमें फिर भी हम मार्जिन ऑफ एरर रखते हैं, 0.5% कुछ इस तरह होता है, ठीक है, वो आप उसमें पढ़ोगे बायोस्टैट्स में। समझ आया है अदीला? इसके अलावा जो सा है, तुम लोगों को एग्जांपल देती हूँ एक, जैसे कि एरर रिसर्च में जो एरर्स होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं। जैसे कि हम जब रिजल्ट्स एनालाइज कर रहे होते हैं, कोई फाइंडिंग्स उसको कैलकुलेशन में मसला आ सकता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है जो हमने या कोई जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं वो उन्होंने ही सर्वे को ठीक से फिल ना किया हो, ठीक है, या हमने जब इंटरप्रेट किया रिजल्ट को, एनालाइज किया पहले तो, और एनालाइज करने के बाद जब हमने उसको उसकी फाइंडिंग्स को एसपीएसएस पे डाला है, सारा कुछ किया डेटे को, तो क्या हुआ है कि हमसे कोई मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, वो हम जानबूझकर नहीं करते, ठीक है। और जो बायसनेस है वो हम, वो भी कई जगहों पे तो कॉन्शियसली की जाती है, और कई जगहों पे अनकॉन्शियसली भी हो जाती है बायसनेस, ठीक है। तो इसलिए इन चीजों से बचने के लिए हम लोग सैम्पलिंग अपनी उस तरह की चूज करते हैं, और रिजल्ट्स जो होते हैं वो अच्छे से जो होते हैं उसको एनालाइज करते हैं। ओके, ठीक है, कोई क्वेश्चन है आज की पीपीटी में? हाँ बिल्कुल, सिस्टम की मिस्टेक, जब हम सॉफ्टवेयर पे डेटा डालते हैं तब भी मिस्टेक होती है, इसलिए हम हर अपनी फाइंडिंग्स में ना मार्जिन ऑफ एरर रखते हैं, ठीक है ना, मार्जिन ऑफ एरर जरूर रखते हैं, 0.5% एरर का वो रखते हैं एस्टीमेट, कुछ इतना होता है, ठीक है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछ लो। अब मैं आपकी अटेंडेंस लेने लगी हूँ।
ओके, अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।